यस सर। ओके सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी ये क्लास है इसका टॉपिक है जनरेशन इंक्यूबेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन। ओके सो बेसिकली आइडियाज़ या फिर इनोवेशन क्या होते हैं कि अगर हम ये जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, मेनली उसका जो भी आइडिया होता है या फिर जो भी उसका इनोवेशन होता है वो उसको लेकर के मार्केट में जाता है, और जो भी उसका जो वो जो आइडिया है जो इनोवेशन है वो अगर किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसी सर्विस के फॉर्म में है तो उसके लिए जो है जो स्टाफ को हायर करता है, फिर वो सर्विस जो है जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है। ओके सो ये जो भी उसका जो आइडिया है वो जनरेशन कैसे होता है, और क्या होता है कि जब जो एक एंटरप्रेन्योर होता है मान लीजिए उसने कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतारा। ओके कुछ समय बाद 1-1.5 साल बाद वो क्या है उसका प्रोडक्ट जो है पुराना हो गया, मतलब कि वो जो आइडिया था वो पुराना हो गया और उस आइडिया की डिमांड जो है मार्केट में कम हो गई, तो जो पहले उसको प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब उसकी इतनी डिमांड नहीं रह गई है, कंज्यूमर्स हैं उसको ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, टाइम टाइम पर उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको अपडेट करना होता है या फिर कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो बना रहे। ओके जो एक एंटरप्रेन्योर होता है मेनली उसका क्या काम होता है, जो भी उसका न्यू आइडिया है उसको मार्केट में लॉन्च करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना। सो ये जो नया आइडिया है या फिर जो एक इनोवेशन है वो जरूरी नहीं है कि हर बार एंटरप्रेन्योर से ही आए। ओके या फिर अगर किसी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है उसमें कुछ चीज़ें अपग्रेड करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो एंटरप्रेन्योर से ही आए। एंटरप्रेन्योर भी क्या है, एक इंडिविजुअल है। ओके इंडिविजुअल है और एक इंडिविजुअल की जो सोचने की या फिर किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंडिविजुअली डिफर करती है और कहीं ना कहीं वो लिमिट भी करती है। सो क्या होता है, कई बार जो आइडियाज़ होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें जो इंडिविजुअल या फिर जो एंटरप्रेन्योर है उसके अलावा दूसरे लोग जो हैं उनसे भी वो जो आइडियाज़ को लेता है, मान लीजिए उसका कोई स्टाफ है उससे कोई आइडिया ले रहा है, या फिर कई सारे आइडियाज़ जनरेशन या के प्रोसेस होते हैं, कई सारे उसके मेथड्स होते हैं उनको वो यूज़ करके जो है आइडियाज़ लेता है, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ लेता है जिससे कि जो है नया प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च कर सके या फिर जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको जो है वो अपग्रेड कर सके। ओके सो क्या है, जैसा कि मैंने बताया एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशंस टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा जो नए नए आइडियाज होते हैं या फिर इनोवेशंस होते हैं उसके सर्च में रहता है। क्यों रहता है, जिससे कि जो उसका प्रोडक्ट है अगर वो आउटडेटेड हो गया है तो उसको अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च कर सके, फिर से लॉन्च कर सके, या फिर जो नया प्रोडक्ट है कोई उसको मार्केट में लॉन्च कर सके। तो जैसा कि आप लोग इनोवेशन की जो एक डिफिनेशन होती है उसको पढ़ चुके हैं कि एन इनोवेशन इज एन आइडिया, कोई एक आइडिया हो सकता है, इनोवेशन एक प्रैक्टिस हो सकती है और कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि परसीव्ड जो कि नए तरीके से जो है लगता है किसी एक इंडिविजुअल को या फिर कोई एक यूनिट होती है उसको। सो अब क्या है, फ्रॉम वेयर एन एंटरप्रेन्योर कैन गेट दिस आइडिया, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट की जो जो डिमांड होती है या फिर कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है वो डे बाय डे जो है चेंज होती रहती है, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड जो है प्रोडक्ट को भी चेंज करना पड़ता है या फिर उसको अपडेट करना पड़ता है जिससे कि उसकी डिमांड जो है मार्केट में हमेशा बनी रहे।
सो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडिया इज इट्सेल्फ एन इनोवेटिव प्रोसेस। जो अब क्या है कि जैसा मैंने कि बताया कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जरूरी नहीं कि हर बार नया आइडिया या फिर न्यू इनोवेशन उसी से आए, कई बार जो है दूसरे लोगों से भी आता है, या फिर वो कुछ लोग कुछ मेथड्स होते हैं जिनको कि वो यूज करता है न्यू आइडियाज या फिर इनोवेशंस को जनरेट करने के लिए। सो वो आइडियाज क्या हैं? सो मेथड्स ऑफ गेटिंग आइडियाज में क्या है, फर्स्ट आपका एक, कई सारे एक्चुअली इसमें आइडियाज होते हैं या फिर कई सारे इसके प्रोसेस होते हैं, जिनमें से कुछ प्रोसेस को हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है आपका फोकस ग्रुप होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप मेनली जो है 6 से 12 लोगों का हम रखते हैं। क्या होता है कि जब भी हम किसी एक वर्क के लिए कोई अगर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रुप का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा ना हो, या फिर ग्रुप का जो नंबर है वो बहुत छोटा ना हो। बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई डिस्कशन के लिए हमने एक ग्रुप बनाया और उसमें 30, 40 या 50 लोग हैं, तो क्या होता है कि अगर लोगों में बहस हो गई या फिर कई सारे लोग एक साथ बोलने लगे, तो उस ग्रुप को मैनेज करना काफी कठिन हो जाता है। नो डाउट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा सजेशंस मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज मिलेंगे, लेकिन क्या है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रुप है उसको मैनेज करना काफी टिपिकल हो जाता है। वहीं पर अगर हम ग्रुप का साइज बहुत ज्यादा छोटा रखते हैं, मान लीजिए कि हम 5-6 लोगों को बुला लिए, तो उसका भी एक ड्रॉबैक है कि एनफ आइडियाज या फिर जो सजेशंस होते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, ज्यादा ज्यादा सजेशन जो है हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब भी हम किसी भी ग्रुप को क्रिएट करते हैं किसी काम के लिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रुप का नंबर होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो जो नंबर होता है ग्रुप में, वो मॉडरेट होना चाहिए, जिससे कि वो ग्रुप जो है आसानी से मैनेज किया जा सके। ओके, सो अगेन आते हैं फोकस ग्रुप पर। सो नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स 6 to 12 हम कर सकते हैं। देन एक्सपीरियंस्ड पीपल इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब क्या है कि मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उसको जो उसका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ानी है, या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है, लेकिन उस एंटरप्रेन्योर को आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूं। ओके, मैं कौन सा नया प्रोडक्ट लाऊं, या फिर कौन सा अपना जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें किस टाइप के मॉडिफिकेशंस करूं, जिससे कि जो वो प्रोडक्ट है वो उसकी डिमांड जो है मार्केट में ज्यादा रहे। तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस्ड आदमी जो स्टाफ होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको जो है एक टेबल पर ले आएगा। ओके, और उसको उनको बताएगा कि क्या कि हम किस चीज पर, अब क्या है कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है मुझे इसकी सेल बढ़ानी है, बताइए मैं क्या क्या करूं, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, प्रॉब्लम न बताने की जगह टॉपिक बताएगा कि जस्ट मेरा ये प्रोडक्ट है, बताइए इस प्रोडक्ट पे आप के क्या क्या सजेशंस हैं। हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव रिमार्क दें उसके लिए कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड नहीं है, या फिर इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। ओके, हो सकता है कुछ लोग अच्छे उसके लिए रिमार्क्स दें कि कंज्यूमर्स में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्या है, उन सब चीजों को हम नोट करते जाएंगे। ओके, जो भी सजेशंस हैं उस टॉपिक को लेकर के, और लास्ट में क्या करेंगे कि उन सजेशंस को हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है, या फिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ओके, सो ये प्रोसेस है इसका फोकस ग्रुप का, जिससे कि आइडियाज को हम जनरेट कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस्ड पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टॉपिक इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जो भी हम टॉपिक बताते हैं, जो भी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स आते हैं, उनका उनको जो हम टॉपिक के बारे में बताते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। मतलब कि एक हमने ब्रॉड टर्म बताया, फिर बताया कि प्रोडक्ट क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसकी करंट सिचुएशन क्या है, इस टाइप के हम कुछ कुछ टॉप कुछ कुछ चीजें उनको बताते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि अब आप बताइए इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या सजेशंस हैं। ओके, देन आस्क फॉर प्रॉब्लम एज वेल एज सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, इन द एंड गुड नंबर्स ऑफ आइडियाज जनरेटेड, जो लास्ट होता है उसमें गुड काफी सारे सजेशंस या फिर आइडियाज आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन आइडियाज में से या फिर उन सजेशंस में से हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको कौन सा आइडिया है जो सॉल्व कर सकता है, उसको हम चूज कर लेते हैं। तो सो ये एक टॉप ये एक हो गया, फर्स्ट आपका हो गया कि जो भी हमारा मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन है उसमें फर्स्ट है फोकस ग्रुप।
नेक्स्ट आपका आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ये सिंपली जैसा आपका फोकस ग्रुप था, सिर्फ मतलब उसी उसी से मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम रहती है। बस एक डिफरेंस क्या रहता है कि जैसा फोकस ग्रुप था उसमें हमने क्या किया था कि जो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था या फिर जिन लोगों को बुलाया था वो क्या है, उस एरिया के एक्सपर्ट्स थे। ओके, मतलब कि उस एरिया में प्रॉपर जानकारी रखते थे। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ऐसा नहीं होता है कि एक्सपर्ट्स को बुलाएं। हम मान लीजिए कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारा स्टाफ का कोई है जिसको कि हम सोचते हैं कि ये इसको हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है उसमें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड किसी पर्सन को या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन को नहीं बुलाते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप डिस्कशन। ओके, यहाँ पर भी जो है एक क्या कहते हैं, एंकर टाइप का या फिर होस्ट टाइप का रहता है जो कि सभी लोगों को बताता है। इसमें जो है सीधे प्रॉब्लम बता दी जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है, कंज्यूमर्स में उसकी डिमांड कम हो रही है। सो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन बताया जाता है लोगों को और डायरेक्टली आंसर या फिर सजेशंस उनसे मांगे जाते हैं। एक चीज और है कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस है इसमें क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं रहता है। क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं रहता है इन द सेंस कि मान लीजिए कि किसी ने कोई ऐसा सजेशन दिया जो कि मतलब कि बहुत ही बेतुका सा हो, ओके, जिससे कि लोगों को हंसी आ रही हो, लेकिन क्योंकि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता है, तो कोई भी उसके सजेशन पे हंस नहीं सकता है या फिर नहीं बोल सकता है कि तुम बेवकूफ हो, यू आर फुलिश, ओके, योर आइडिया इज यूजलेस, ऐसा नहीं बोलना है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक रूल रहता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो होस्ट होता है वो प्रॉब्लम बताता है या फिर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉब्लम बताता है, और जो भी लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंक्लूड होते हैं वो सारे लोग उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको बताते हैं। उन सारे सॉल्यूशंस को नोट डाउन किया जाता है और एट द लास्ट इन और इन द एंड जो भी मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन या फिर सजेशन होता है उसको चूज किया जाता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इट इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक, एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। देन क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड। जैसा कि मैंने बताया कि क्रिटिसिज्म आप किसी के आइडिया को बेकार नहीं कह सकते यहाँ, ओके, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि योर आइडिया इज यूजलेस, इस टाइप का कुछ अलाउड नहीं रहता है उसमें। देन एनीबॉडी कैन हैव द पोटेंशियल ऑफ सजेस्टिंग द आइडिया। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जो क्या कहते हैं कि जो यूएसए है वो जब फर्स्ट टाइम स्पेस में मैन को भेजने के लिए सोच रहा था, तो क्या है कि उन स्पेस सूट बनाने के लिए जो है कई लोगों को बुलाया गया था कि उनसे सजेशंस मांगे गए थे कि स्पेस सूट कैसा बनाना चाहिए, उसमें क्या-क्या हो सकता है। ओके, सो जो बेस्ट सजेशन आया था स्पेस सूट के लिए वो एक बायोलॉजिस्ट से आया था। ओके, उन्हीं का स्टाफ या फिर जो भी जो वहां का एक बायोलॉजिस्ट था उसने जो भी स्पेस सूट बनता है उसने ये सजेशन दिया था कि इस टाइप से बनना चाहिए। ओके, सो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में बायोलॉजिस्ट को नहीं बुलाना चाहिए था या फिर अदर फील्ड के जो भी साइंटिस्ट थे उनको नहीं बुलाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ जो जिनको स्पेस के बारे में जानकारी हो उनको बुलाना चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबको बुलाया गया, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है किसी एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते हैं, पॉसिबल वे जिनको कि एक एंटरप्रेन्योर होता है या फिर जो एंकर होता है, जो होस्ट होता है, उसको जो लगता है कि जिनसे जिनसे हमें अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं उनको जो है इनवाइट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है दैट इज गॉर्डन मेथड। ये क्या है कि इंडिविजुअल्स आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, द एंटरप्रेन्योर बिगिंस बाय मेंशनिंग अ जनरल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ द प्रॉब्लम, द ग्रुप देयर आफ्टर रिस्पॉन्ड्स बाय एक्सप्रेसिंग अ नंबर ऑफ आइडियाज, एट द लास्ट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज रिवील्ड इनेबलिंग द ग्रुप टू मेक सजेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और रिफाइनमेंट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल है आई विश वी कुड डू समथिंग टू डिक्रीज द इनपुट कॉस्ट ऑफ अवर
प्रोडक्ट, रियल पर्पज इज टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। अब क्या है, मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च करने के 1-1.5 साल बाद जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में डाउन हो गई, लोग जो है उसको नहीं परचेज कर रहे हैं। अब क्या है, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है, जो भी कुछ लोगों को बुलाएगा और उनको नहीं बताएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। रियल प्रॉब्लम बताने की जगह वो उस प्रॉब्लम को जो है दूसरे तरीके से बताएगा। क्या है रियल प्रॉब्लम, क्या है कि मार्केट में प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो गई है। लेकिन उसकी जगह वो लोगों को क्या बताएगा कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसके जो इनपुट कॉस्ट है उसको घटाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर प्रोडक्ट का इनपुट कॉस्ट जो है अगर कम हो जाएगा, क्या है कि इनपुट कॉस्ट कम होने से मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है और सस्ते रेट में जो है कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो पाएगा, जिससे कि हो सकता है कि प्राइस की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और फिर से उसको खरीदने लगे। यहाँ पर क्या था कि गॉर्डन मेथड में क्या है कि रियल प्रॉब्लम्स जो है नहीं बताई जाती है, रियल प्रॉब्लम्स की जगह उसका अल्टरनेट या कुछ और बताया जाता है और उस चीज पर जो है लोगों की राय मांगी जाती है। और जब काफी सारे सजेशंस इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद जब सजेशंस इकट्ठा हो गए, कलेक्ट हो गए, तो उसके बाद जो रियल प्रॉब्लम है वो लोगों को बताया जाता है और फिर से लोगों को कहा जाता है कि अब फिर से आप अपना सजेशन दीजिए। जो रियल प्रॉब्लम बताने से पहले जो सजेशंस कलेक्ट हुए थे और रियल प्रॉब्लम बताने के बाद जो सजेशंस कलेक्ट हुए हैं, दोनों को कंबाइन करके जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो है उसको चूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्स्ड रिलेशनशिप मेथड। इसमें क्या होता है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इस मेथड के, जिससे कि आइडियाज को जनरेट किया जा सकता है। इसमें इसके जो स्टेप्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। क्या है कि मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चूज समथिंग टोटली अनरिलेटेड टू द प्रॉब्लम और चैलेंज यू और योर ग्रुप आर वर्किंग ऑन। सेकेंड स्टेप, लिस्ट एवरीथिंग यू और योर ग्रुप नो अबाउट, दैट इज हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ। दीज आर द थिंग्स। थर्ड स्टेप है आपका, लिस्ट एवरीथिंग यू और योर ग्रुप नो अबाउट योर प्रॉब्लम और चैलेंज। फोर्थ स्टेप, टेक आइटम्स और डिटेल्स फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट एंड फोर्स इट फोर्स फिट देम टू फीचर्स और डिटेल्स फ्रॉम द सेकेंड लिस्ट। क्या होता है इसमें, मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है जिसका कि मार्केट में प्राइस कम हो गया, हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मोबाइल कंपनी थी जिसको जो कि एक मोबाइल जो है पहले मार्केट में लॉन्च किया था, उसने अच्छा खासा सेल हुआ, उसके बाद जो है वो मोबाइल का सेल जो है डिक्रीज हो गया। अब क्या है, वो जो कंपनी थी वो कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। इस स्टेप में क्या होता है कि एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, दो चेकलिस्ट एक्चुअली बनाई जाती है। फर्स्ट आप अपने स्टाफ को बुलाइए या फिर जिनको आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आइडिया जनरेशन के लिए, उनको बुलाइए, उनसे बोलिए कि आप एक चेकलिस्ट बनाइए, आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं आप उनको लिखिए। जो भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या फिर कंपनी जिन जिन चीजों पर काम कर रही है, जिन जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, उनका एक चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट बन गया, उसके बाद क्या है, अब क्या है कि अब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे बोलिए कि अब आप एक और चेकलिस्ट बनाइए, मतलब कि दो चेकलिस्ट बनाइए और दोनों चेकलिस्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, दोनों चेकलिस्ट बन बन गई। अब दोनों चेकलिस्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं उन दोनों चीजों को आपस में फोर्सली जो है कंबाइन करना है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है ढूंढना है, रिलेशनशिप बैठाना है, फोर्सली बैठाना है, चाहे हो चाहे ना हो। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अगर हम एक घड़ी की बात करें, तो कभी किसी ने सोचा था कि घड़ी में भी जो है म्यूजिक प्लेयर हम लगा सकते हैं? नहीं,
लेकिन ये आइडिया जो आया था, जो जनरेट हुआ था, ये जो है आपका फोर्स रिलेशनशिप आइडिया जनरेशन के ही थ्रू हुआ था। ओके, अब क्या है कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, तो बर्थडे पर जो आप जो कैंडल्स जलाई जाती हैं, तो क्या होता है, कैंडल्स को फूक मार के बुझा दिया जाता है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि केक काटा जाता है। ओके, ये एक जनरल प्रोसेस है। उसके बाद क्या है कि लोग ऐसा ही करने लगे, लेकिन मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर था, उसने सोचा कि ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है, हम कुछ नया लेकर के आए जिससे कि लोग ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। तो वो क्या हुआ, उसने एक ऐसी कैंडल बनाई जिसको बुझने फूकने के बाद वो फिर से जलने लगती है। ओके, अब क्या है कि कैंडल का बुझना और फिर से जलना, मतलब एक बर्थडे की बात करें तो कैंडल को फिर से कौन जलाएगा। ओके, लेकिन ये क्या है कि लोगों में काफी इंटरेस्ट लेकर देखा गया, जिससे कि इस टाइप के कैंडल्स की मार्केट में डिमांड जो है ज्यादा हो गई। ओके, सो ये जो फोर्स रिलेशनशिप है, ये यही बताता है कि हम पहले जो है दो चेकलिस्ट बनाई जाती है, फिर दोनों चेकलिस्ट के जो भी आइटम्स होते हैं उनको आपस में फोर्सली जो है मिलान किया जाता है उनका, और देखा जाता है कि क्या हम इससे कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को जो है हम मार्केट में जो है लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आइडिया जनरेशन होता है आपका फोर्स रिलेशनशिप में। नेक्स्ट मेथड आता है आपका होरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक, जिसे कि शॉर्ट में HIT या HIT भी कहते हैं। सो HIT आइडियाज आर सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉन्सेप्ट्स फॉर्म्ड इन अ क्रिएटर माइंड। ओके, जो इससे पहले वाला मेथड था आपका फोर्स रिलेशनशिप, ये सेम उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें भी जो है दो टेक्निक्स को कंबाइन करके एक नया टेक्निक, या फिर दो आइडियाज को कंबाइन करके एक न्यू आइडिया जो है जनरेट किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें कि जो फोर्स्ड रिलेशनशिप टेक्निक थी, उसमें क्या किया जाता था कि जो दोनों चेकलिस्ट बनाई जाती थी, दोनों का आपस में कोई भी कहीं से रिलेशनशिप नहीं होता था। लेकिन ये जो ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक है, इसमें जो है दोनों जो कॉम्बिनेशन जिन हम टेक्नोलॉजीज का या फिर जिन आइडियाज का करते हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, तो जो पहले क्या है, टीवी टेलीविजन आते थे, उनमें ही लोग जो है क्या कहते हैं वीडियोज या फिर सीरियल्स या फिर मूवीज देखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेट से मोबाइल इंटरनेट का आ गया, सो इंटरनेट से डाउनलोड करके देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या है, लोग डाउनलोड करके देखने लगे, उसमें भी लोगों को बाद में जो है मोनोटोनस हो गया वो चीज़। तो क्या है, किसी एक एंटरप्रेन्योर ने या फिर किसी एक कंपनी ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कुछ बनाया जाए। ओके, सो उसमें क्या है कि जो भी कंटेंट होते हैं, वीडियोस होते हैं, म्यूजिक होता है, मूवीज होता है, उनको जो है ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वीडियोस पहले से थे या फिर मूवीज थी, अब उनको डाउनलोड ना करने की जगह हम ऑनलाइन देख सकते हैं। ओके, जो भी उसका अगर जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, तो जो नेटफ्लिक्स है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो इसी मेथड के थ्रू हुआ है। ओके, सो ये एक आपका मेथड हो गया। तो इसमें अब क्या है, जो लास्ट मेथड है उसमें क्या है, साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो रिसर्चर्स या फिर वर्कर्स को हायर करता है, उनको सॉल्यूशन सॉरी उनको सैलरी देता है काम करने के लिए, और उनको प्रॉब्लम बताता है और उनसे कहता है कि बिकॉज यू आर माई स्टाफ, यू आर हायर्ड फॉर दिस वन, यू डू द रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड गिव मी द सॉल्यूशन। ओके, तो ये साइंटिफिक मेथड होता है जिसके थ्रू की आइडिया जनरेशन जो है किया जाता है। सो ये कुछ स्टेप्स थे जिनके थ्रू की न्यू आइडियाज या फिर जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनको जनरेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब आइडिया तो आपका जनरेट हो गया, अब उस आइडिया को का इंक्यूबेशन और उसका कॉमर्शलाइजेशन कैसे किया जाए। ओके, सो व्हाट इज इंक्यूबेशन, अब क्या कोई आइडिया तो जनरेट हो गया लेकिन उसको हमें बड़ा करना है। ओके, उसको हमें इस इतना बड़ा कर, मतलब उसको हमें फेवरेबल इन्वायरमेंट से क्या मतलब है कि मार्केट में वो जो है उसकी डिमांड कंज्यूमर्स तक रहे, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट को फेवरेबल बनाना है। ओके, कैसे फेवरेबल हम बना सकते हैं, जो भी मान लीजिए कोई एक आइडिया आया है वो रॉ आइडिया है, सो
उस आइडिया को में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, कहीं से कुछ दूसरी चीज मिला करके जो है उस आइडिया को हम इस लायक बना सकते हैं कि मार्केट में वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन रह सके। तो ये जो प्रोसेस है किसी भी आइडिया को आइडिया में कुछ रिफाइनमेंट करना या फिर उसको इस टाइप का इन्वायरमेंट देना जिससे कि वो मार्केट में ज्यादा दिनों तक सस्टेन कर सके, कंज्यूमर्स में उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा दिनों तक रह सके, ये प्रोसेस आपका इनक्यूबेशन हो गया। जस्ट ये सिमिलरली जैसे एक एग को हम हैच कर इनक्यूबेट करवाते हैं उसी तरीके से है। उसके बाद क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आइडिया। अब क्या है, आपने आइडिया को जनरेट कर लिया, उसको इनक्यूबेट करके कर लिया, रिफाइनमेंट कर लिया, ऐड करना था उसमें कुछ वो कर लिया, उसके बाद क्या है उसको कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे, मतलब कि उसको मार्केट में हम लॉन्च करेंगे और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको उन तक जो है उनकी पहुंच करेंगे। सो व्हाट इज कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मेथड इनटू कॉमर्स, मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द मार्केट। ओके, सो अब क्या है कि जो इंडिया में कुछ 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 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस टाइप के जो भी न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं उनको क्या कहते हैं कि उनको इनक्यूबेट करने का, उनको संभाल करके रखने का, उनको जो है कॉमर्शियलाइज करने का काम करते हैं। सो हम यह मेनली जो है यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में फोकस करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस टाइप के वर्क करते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर एक आप लोग जैसा कि देख सकें लिखा हुआ है हनी बी नेटवर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1986 या 87 में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसका मेन वर्क क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ ग्रास रूट लेवल इंडिजिनस नॉलेज दैट इज पजेस्ड बाय द लोकल पीपल। अब क्या है कि जो भी मान लीजिए कि कुछ एक ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है कि जो कई सालों से जो है पीपल्स के द्वारा डेवलप की गई है। मान लीजिए जैसा कि एक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी पॉन्ड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो बनाना लीव्स होती हैं उनको डाला जाता है, उससे क्या होता है कि लोग कहते हैं पॉन्ड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता है। सो ये जो नॉलेज है कि पॉन्ड में बनाना लीव्स डालने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ये कहाँ से आया, इसको किसने शुरू किया, कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉलेज है ये पीपल्स के द्वारा जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर की गई है और बहुत ज्यादा पुरानी नॉलेज है। सो इस टाइप की जो नॉलेज होते हैं इनको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। ओके, सो इस टाइप की जो भी नॉलेज है उनको ये हनी बी नेटवर्क जो है उनको डॉक्यूमेंट करता है, उनको फिर वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि पॉन्ड में बनाना लीफ डालने से जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इसके पीछे कौन सी साइंस है, ओके, कोई साइंस है भी या नहीं है या फिर लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, इस चीज को वैलिडेट करना, मतलब कि जो सच है वो लोगों के सामने लाना, ओके, जो प्रोसेस है वो वैलिडेशन कहलाती है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो भी इस टाइप के जो इनोवेशंस होते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज एक न्यूज़पेपर में एक छोटा सा दैनिक जागरण में दिया हुआ था, बाराबंकी या फिर बरेली का कोई एक मतलब क्या कहते हैं, मुझे शायद इंजीनियर है, उसने जो भी जो गाड़ी के जो नोजल्स होती हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो गाड़ी की बढ़ गई है। ओके, और जो गाड़ी का एवरेज है वो भी बढ़ गया है। अब क्या है, अब क्या है जैसे ये एक उसने कुछ चेंजेस किए, सो हनी बी नेटवर्क वाले क्या कर सकते हैं कि वो उससे कांटेक्ट करेंगे, उसका जो ये इनोवेशन है या फिर नया आइडिया है उसको जानेंगे, परखेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, अगर वो चीज सही है फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, और अगर वो जो जिसने ये चीज इन्वेंट की है अगर वो चाहे तो उसको कॉमर्शियलाइजेशन में भी, मतलब उसको बड़े पैमाने पर मार्केट में जो है लॉन्च करने में उसकी हेल्प भी करेंगे। ओके, सो ये हनी बी नेटवर्क है, इसका जो ये काम है डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ ग्रास रूट लेवल इंडिजिनस नॉलेज और इनोवेशन।
उसके बाद आपका जो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंडियन इनो सॉरी सॉरी द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, दैट इज NIF. इट वाज सेट अप इन मार्च 2020 बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका भी काम सेम जैसे कि आपका हनीबी नेटवर्क है उसी तरीके से है. बस डिफरेंस क्या है कि जो आपका हनीबी नेटवर्क है ये कोई भी वेंचर कैपिटल जो है प्रोवाइड नहीं करता है जो क्या कहते हैं जो भी आपके इन्वेंटर हैं उनको. लेकिन जो NIF है ये वेंचर कैपिटल मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है अगर किसी को अपना प्रोडक्ट जो है जो नया उसका इनोवेशन है उसको मार्केट में लॉन्च करना है. तो डेटाबेस की अगर बात करें तो अभी तक जो NIF है उसने 3,22,000 जो टेक्नोलॉजीज या फिर आइडियाज हैं या फिर कोई इनोवेशन है उनको अभी तक डॉक्यूमेंट किया है. और ये जो 3,24,22,000 टेक्नोलॉजीज हैं ये 608 डिस्ट्रिक्ट्स जो फिर इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे जो है लिया गया है. नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. अब क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे उसको प्लानिंग कैसे करते हैं. सो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें कि फर्स्ट है आपका आइडिया स्टेज. सो इन दिस स्टेज न्यू प्रोडक्ट आइडिया आर जनरेटेड. कोई एक एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई एक इंडिविजुअल है उसके माइंड में जस्ट एक आइडिया आता है कि हम कुछ इस टाइप का कर सकते हैं जिससे कि हम नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं या फिर नई सर्विस जो है कंज्यूमर्स को दे सकते हैं. सिर्फ ये आइडिया है अभी तक इसने कोई भी मतलब क्या कहते हैं ये प्रैक्टिकल वे में नहीं आया. सिर्फ और सिर्फ आइडिया है किसी एक इंडिविजुअल के माइंड में. देन आपका है आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टेज. इसमें क्या है एट दिस स्टेज प्रोडक्ट इज नॉट एक्चुअली प्रोडक्ट बट प्रिलिमिनरी रिएक्शंस आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स बेस्ड अपॉन रिस्पॉन्स द प्रोडक्ट कैन बी रिफाइंड. अब क्या है कि जो वो जो आइडिया था उसको लेकर के जो है हम कंज्यूमर्स से मिलेंगे कि हम कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या फिर इस टाइप की कुछ एक सर्विस जो है लोगों को देना चाहते हैं. क्या होगा जब लोग उसके बारे में सुनेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी कुछ राय दें कि इसमें इसकी जगह अगर ये किया जाए तो ये प्रोडक्ट बहुत और ज़्यादा जो है मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होगी या फिर इस सर्विस को दूसरे तरीके से दिया जाए तो लोगों तक ज़्यादा अच्छी पहुँच होगी या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको प्रेफर करेंगे लेना. तो क्या है अभी भी प्रोडक्ट जो है वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं आया है. बस जो कंज्यूमर्स हैं उनसे जो है राय मशवरा करके या फिर उनका रिस्पॉन्स लेकर के जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम कुछ कुछ रिफाइनमेंट करेंगे. थर्ड स्टेप आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. एट दिस स्टेज एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट इज गिवन टू द कंज्यूमर पैनल फॉर इवेल्युएशन. अब क्या है यहाँ पर जो थर्ड में है कि जो भी रिफाइनमेंट के बाद में जो भी चेंजेस आए हैं हम उस प्रोडक्ट को फिजिकल रूप दे करके कंज्यूमर्स के एक पैनल को देंगे इवेल्युएशन के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है कई सारे रिफाइनमेंट के बाद कई सारे चेंजेस के बाद जो है एक फाइनल स्टेज इस पे आया है. अब कंज्यूमर्स को कुछ कंज्यूमर्स को देंगे टेस्ट करने के लिए कि ये कंज्यूमर्स में आगे अगर हम इसका मास प्रोडक्शन करें तो ये मार्केट में सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा, डिमांड इसकी रहेगी कि नहीं रहेगी. देन टेस्ट मार्केटिंग स्टेजेस. मार्केट टेस्ट कैन बी कैरीड आउट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल कॉमर्शलाइजेशन. एट दिस स्टेज एक्चुअल सेल रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड इंडिकेटिंग द एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स. अब क्या है इसमें क्या है मार्केट में हमने वो प्रोडक्ट पूरा कॉमर्शलाइज्ड फॉर्म में नहीं ले आए. हम पहले अगर आप लोग देखते होंगे तो कुछ कुछ सेल्समैन आते थे घरों घरों में और उनका जो भी प्रोडक्ट होते थे उनको जो है कंज्यूमर्स को जो है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ देते थे या फिर जो भी उसका जो प्रोडक्शन का एक्चुअल कॉस्ट है उसे कम रेट में ही देते थे. क्यों देते थे? सिर्फ इसलिए कि बाद में वो कंज्यूमर्स से फीडबैक ले सकें कि कैसा है ये मार्केट, आपको कैसा लगे, कुछ फिर से चेंज करने की नहीं करने, मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा. जो कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस लेवल है वो देखा जाता है इस स्टेज में. बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड. फिर से क्या है अगर कंज्यूमर्स कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कहते हैं तो उसको किया जाता है और फिर जो है उस स्टेज उस प्रोडक्ट को फाइनली जो है कॉमर्शलाइज्ड वे में मतलब एक मास प्रोडक्ट के रूप में मास प्रोडक्शन के रूप में जो है मार्केट में प्लेस किया जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. थैंक यू क्लास.
हाँ